वेलकम फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट रंगोली ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जो पहला पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, क्योंकि कलर मिक्सिंग के बारे में और कुछ कलर के बारे में मैंने बहुत कुछ टिप्स वहाँ पे दिया हुआ हूँ, तो इसलिए वो ज़रूर देखना। तो अब इस सेकेंड पार्ट में ये देखते हैं कुछ कलर में एक सिंपल सा पॉट कैसे बनाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कलर का शेड्स तैयार करके रखा हूँ। लाइट मिडल डार्क शेड है और नीचे वाइट और ब्लैक रंगोली है, ऊपर के तरफ से कुछ डार्क कलर है। तो इस शेड्स को यूज़ करके हम इस पॉट को कैसे कलरिंग करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने कुछ कलर लाइट कलर अभी मैंने दिया है, तो ऊपर का पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। तो ऐसे थोड़े थोड़े कलर डाल के और दूसरे कलर का भी यूज़ करके एक दूसरे में कलर को मिक्स करना पड़ता है। तो एक कलर कैसे बनाते हैं, कलर शेड्स कैसे बनाते हैं, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल्स में बताया हुआ। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो आपको कुछ कलर के बारे में सब कुछ वहाँ मैंने वहाँ पर बताया हुआ हूँ। तो थोड़ा थोड़ा कलर यूज़ करके ऊपर का पार्ट का जो कलरिंग है वो मैंने थोड़ा कर लिया है। उसमें डार्क कलर, लाइट कलर, मिडल कलर का शेड्स मैंने यूज़ किया है। अब थोड़े नीचे के साइड पे डार्क कलर मैं फिल कर रहा हूँ। तो पोर्ट्रेट में एक चीज़ ज़रूरी होती है, कलर मिक्सिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक दूसरे में कलर अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है तो पोर्ट्रेट अच्छा दिखता है। तो पोर्ट्रेट के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप ऐसे स्टिल लाइफ के कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ पॉट है, चाय की पॉट होता है वो आप ट्राई कर सकते हो, कुछ फ्रूट्स आप ट्राई कर सकते हो बेसिक में। तो इन चीज़ों से क्या होता है, तो एक तो आपका हाथ में हाथ से रंगोली अच्छे तरह से छूटना चाहिए वो प्रैक्टिस हो जाता है, और कुछ फिनिशिंग भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ शेड्स यूज़ करके वो फिल कर रहा हूँ। जब आपको एक शेड में दूसरा शेड मिक्स नहीं होता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, जब यहाँ पर दो कलर है उसके बीच में वो दोनों कलर मिक्स करके मैं एक एक्स्ट्रा शेड्स बनाया हुआ हूँ। तो वो शेड आप बीच में यूज़ करके दो कलर आप एक दूसरे में मिक्स कर सकते हो। और मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, आप पोर्ट्रेट रंगोली और बाकी के रंगोली के बारे में कुछ जानकारी चाहते हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में मैसेज भी किया हुआ है, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब नीचे का थोड़ा पार्ट में करने जा रहा हूँ। तो अब ये ध्यान में रखना है, साइड में रंगोली जाता है वो जितना आप अच्छे तरह से वो कर सकते हो उतना शार्पनेस में आप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दूसरे में कलर में मिक्स कर रहा हूँ, एक कलर डाला तो उसके साइड में उसका नेक्स्ट शेड है वो डाल रहा हूँ। वो अपने आप एक दूसरे कलर में मिक्स होना बहुत ज़रूरी होती है, मर्जिंग कहते हैं हम जिसको। तो मर्जिंग होना बहुत ज़रूरी होती है पोर्ट्रेट में, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैंने सिर्फ एक प्लेन कलर में फिल कर रहा हूँ, तो बाद में उसमें थोड़ा सा हम डिटेल के बारे में देखते हैं। पहला ये ज़रूरी है कि बेस कलर आपको फिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो वो पहले हम बेस कलर फिल कर लेते हैं, तो बाद में उसमें डिटेल्स देखते हैं। तो पोर्ट्रेट के लिए ये सब चीज़ बेसिक में करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ आप पहले कर लो। कुछ सिंपल सा स्टिल लाइफ का चीज़ आप कर सकते हो, कुछ अलग अलग चीज़ आप ट्राई करके हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ताकि मैं देख सकता हूँ कि आपका काम कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके कुछ में प्रॉब्लम्स आता है वो भी आप इस कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट कलर के फिल किया हुआ हूँ, तो एक साइड में कुछ लाइट कलर, एक साइड में डार्क कलर मैंने अब डाला है। तो ये सब कलर डालते वक्त और एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो है लाइट का इफेक्ट। लाइट कहाँ से आता है, तो साइड में अब कुछ चीज़ जिसके ऊपर जो लाइट पर गिरता है, तो उसके ऊपर से आपका शेडिंग्स डिपेंड रहती है। एक साइड से लाइट आता है तो उस साइड में लाइट दिखता है ज़्यादा, और दूसरे साइड में डार्क दिखता है। तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है पोर्ट्रेट में भी। आप किसी का पोर्ट्रेट देख सकते हो, तो एक साइड में आपको लाइट दिखेगा, एक साइड कुछ डार्क दिखेगा, एक साइड से लाइट आ रहा है। तो ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इन सब छोटे छोटे चीज़ों को आप पहले पोर्ट्रेट में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नीचे का साइड का मैं कलर फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डार्क कलर मैंने यूज़ किया है, ताकि जो लाइट का शेडो है वो शेडो नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ डार्क कलर नीचे के साइड में यूज़ किया है। आप किसी रेफरेंस देकर इन सब चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास एक रेफरेंस होता है तो उसके ऊपर का जो कुछ भी कलर है वो आप देखकर एज इट इज़ आप ड्रॉ कर सकते हो। इसलिए आप किसी फोटो का रेफरेंस ले लीजिएगा, आपको गूगल में बहुत सारे फोटोज़ मिल जाएंगे, तो आप देखकर वो सिर्फ एक ही कलर में भी आप कर सकते हो, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में, या जो कुछ भी आपके पास कलर है उसमें से आप चार पांच शेड्स, लाइट टू डार्क शेड्स तैयार करके उसी शेड में आप ये सब चीज़ ट्राई कर सकते हो। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है पोर्ट्रेट रंगोली बनाने के लिए, इसलिए सब प्रैक्टिस के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। मैंने अभी यहाँ पर कुछ बेस कलर डाला है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल के बारे में देख सकते हैं। आप जितना बेसिक कलर डाल के इतना भी बना सकते हैं तो भी स्टार्टिंग लेवल में अच्छा है, तो डिटेल्स के बारे में नहीं आपने किया तो भी चलेगा, लेकिन बेस कलर तो आपको अच्छे तरह से फील करना आना चाहिए रंगोली में। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स कर रहा हूँ, आपको ये दिख रहा है तो मिट्टी के जो बनाई हुई पॉट होते हैं तो उसका कलर मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है यहाँ पर, तो उसके ऊपर मैं कुछ डिटेलिंग, वहाँ पर लाइट कहाँ पर लाइट पड़ती है, तो वो सब डिटेल्स सब मैं करने जा रहा हूँ। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपने कुछ भी ट्राई करते हो तो उसका फोटोस हमें भेजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं सिर्फ वीडियो डालते रहूँगा, आप वीडियो देख के चुप बैठे, तो मुझे नहीं पता चलेगा आपका कोई दिक्कत हो रहा है आपको। तो कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ मैंने उसके ऊपर कलर का स्पॉट्स वगैरह होता है, तो वो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। तो आप भी जो आपके पास रेफरेंस होता है तो रेफरेंस के जो कुछ भी डिटेल्स हैं वहाँ उस पर तो आप कर सकते हो, जितना भी डिटेल्स कर सकते हो तो अच्छा है। स्टार्टिंग में कुछ
कुछ ज़्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन कुछ बेस कलर, बेसिक कलर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर ध्यान देखना, ये चीज़ें बहुत शार्पनेस इम्पोर्टेंट होती है, जो साइड पर रंगोली गिरता है तो वो बाद में अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वो साइड में गिरा हुआ रंगोली किसी ब्रश को लेकर, तो साइड से रंगोली ज़्यादा गिरी है वो है तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ मैंने डिटेल्स वहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो पहले वीडियो में मैंने ये बताया कि पोर्ट्रेट रंगोली के बारे में, कलर्स के बारे में और कलर मिक्सिंग के बारे में, और कलर शेड्स कैसे बना सकते हैं। तो कलर शेड्स बनाने के बाद वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रे स्केल जो बताया था मैंने पहले वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप ज़रूर पहले वीडियो देखना और बाद में इस चीज़ को ट्राई करना। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ एक सिंपल सा स्टिल लाइफ ही दिखाऊंगा, आपको वो अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करो और ट्राई करते रहो, छोटे छोटे चीज़ आप रंगोली में बनाने में के सफल हो जाते हो तो पोर्ट्रेट के लिए आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल चीज़ आप ट्राई करो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है कलश आर्ट्स के नाम पर, तो आप अपने ट्राई किया हुआ कुछ भी रंगोली का फोटोज़ आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारा व्हाट्सएप पे चालू है, तो आप वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिक पोर्ट्रेट का तो मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, कुछ बाद में एडवांस में ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। तो इसी तरह के से हमारा ये पॉट है वो फाइनल तक आ चुका है, और अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये फाइनल रंगोली है। तो आप भी ये घर पर ट्राई कीजिएगा और आपका रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो का सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच सके, और कुछ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।